तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अंतरिक्ष टीवी इंडिया पर। दोस्तों आज हम एलआरओ मिशन के बारे में बात करने वाले हैं, तो ज़्यादा ना बोलते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों नासा के एलआरओ मिशन को एटलस 5B रॉकेट को लॉन्च किया गया था 18 जून 2009 एलआरओ को लॉन्च किया गया था। इस स्पेस क्राफ्ट का मेन मकसद चांद की सतह को समझना था। दोस्तों नासा का लूनर रेगोनाइजेशन एलआरओ नासा का एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है जो वर्तमान में चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए चित्रों का माध्यम डाटा एकत्रित करता है और वैज्ञानिकों के पास भेजने का काम करता है और चंद्रमा की सतह का अध्ययन भी करता है। दोस्तों यह स्पेस क्राफ्ट काफ़ी शानदार स्पेस क्राफ्ट है। इस स्पेस क्राफ्ट ने हमारे चंद्रयान 1 मिशन को और नासा के एक दूसरे ऑर्बिटर को भी खोजा था। एलआरओ मिशन के जरिए इस मिशन को अंजाम दिया गया था। एलआरओ मिशन ने ही खोजा था अपने चंद्रयान 1 मिशन को। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नासा का यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पानी और अन्य संसाधनों की संभावना को पता लगाने के लिए मदद की जा सकती है इस एलआरओ मिशन के द्वारा। एलआरओ मिशन का मेन मकसद वहां पर पानी की खोज को प्रूफ कर देना था, जो कि चंद्रयान मिशन ने बताया था। दोस्तों यही वो स्पेस क्राफ्ट है जिसने हमारे चंद्रयान 1 मिशन की गई खोज पानी वाली खोज को सच साबित किया था। नासा ने अपने रेगुलाइजेशन एलआरओ का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर उच्च रेगुलेशन हाई रेगुलेशन 3D मानचित्र तैयार करना। दोस्तों नासा का एलआरओ चांद का 3D मैप बनाता है जिसमें उसमें गर्म और ठंडी जगहों के बारे में पता किया जा सकता है। इसके अंदर कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जो कि पानी की खोज कर सकते हैं चांद के ऊपर। दोस्तों नासा और लूनर क्रेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटिंग सैटेलाइट कमीशन चंद्र गड्ढा अपलोकन और संदेश उपग्रह 18 जून 2009 को पृथ्वी से छोड़ा गया था। इसका मेन मकसद मैंने आपको शुरू में बताया कि पानी की खोज करना था। 23 जून 2009 को चंद्रमा की कक्षा में यह स्पेस क्राफ्ट प्रवेश कर गया था नासा का एलआरओ। दोस्तों सितंबर 2010 में एलआरओ ने अपना प्राथमिक मानचित्र पूरा किया जिसमें उसने पहली बार चंद्रमा की मैपिंग को कर ली। तो एलआरओ में लगे दो इंस्ट्रूमेंट जो कि दिन रात का रेगुलेशन मैप बनाते रहते हैं और चांद का जो भाग होता है जहां पर अंधेरा और उजाला होता है वहां का मैप काफ़ी अच्छे तरीके से 3D में डिज़ाइन करते हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा अंदाजा लग जाएगा कि किन किन जगहों पर पानी मौजूद है या फिर नहीं है। दोस्तों चंद्रमा के ध्रुव क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि वहां पर पानी होने की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अनुमत एलआरओ के अभी तक मिशन किया जा चुका है, कम से कम 6 वर्षों के लिए अभी इसमें पर्याप्त फ्यूल बाकी है जिससे यह काफ़ी ज़्यादा और डिटेलिंग मैपिंग चंद्रमा की कर सकता है, जहां से हमें पता लग जाएगा कि चांद पर कितना पानी मौजूद है। और दोस्तों हमारे चंद्रयान 1 मिशन ने भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट अंदाजा लगाकर उस पर जब इंपैक्टर मारा था तब पानी ऊपर हवा में उछल गया था चांद की सतह से। उससे लूनर मिनरोलॉजी मैपर से हमारे चंद्रयान मिशन ने पता कर लिया था कि आखिर चांद पर मौजूद है या नहीं। और जवाब है दोस्तों हाँ, कि चांद पर पानी मौजूद है लेकिन ज़्यादा नहीं है, कम पानी मौजूद है। दोस्तों चांद पर पानी कैसे आता है, अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें एक कमेंट जरूर कर दीजिए। और दोस्तों चंद्रयान 1 मिशन काफ़ी ज़्यादा सफल मिशन था, उस पर भी एक वीडियो हमने पहले से बना के रखा है, आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों काफ़ी डिटेल में मैंने आप सभी को उस वीडियो में बताया है। दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम में हमारी धरती का सबसे पहला चांद है और इससे पहले किसी भी ग्रह का चांद नहीं है। इसके बाद मार्स के पास चांद है और सैटर्न यूरेनस नेपच्यून और जुपिटर जैसे ग्रहों के पास चांद मौजूद है, मरकरी वीनस पर चांद मौजूद नहीं। दोस्तों एलआरओ मिशन वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और दोस्तों इसका भाई लेडी स्पेस क्राफ्ट के बारे में वीडियो देखना चाहते कमेंट जरूर करना। दोस्तों एलआरओ मिशन के बारे में आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए अंतरिक्ष टीवी इंडिया चैनल के साथ। चलिए दोस्तों बस वीडियो में इतना ही, जय हिंद दोस्तों।